हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल सीओ विद कमल में। और आज की वीडियो में हम बना रहे हैं फ्रेंड्स अनारकली, जो कि 6 और 7 ईयर्स की बेबी गर्ल के लिए है। तो ये है इसका मेजरमेंट। जो हमें रेडी लेंथ चाहिए वो 36 चाहिए और जो बॉडी लेंथ है वो 10 है। तो कली की लेंथ निकालने के लिए हमें 36 में स्टिचिंग मार्जिन प्लस करके उसमें रेडी बॉडी लेंथ को माइनस करना है, तो वो 28 आया है। और फ्रेंड्स, इस अनारकली में हम टोटल 12 कली यूज़ करेंगे। 6 कली हम फ्रंट के लिए यूज़ करेंगे और 6 हम बैक के लिए यूज़ करेंगे। तो जितनी इसकी वेस्ट है उसको डबल साइज में हमने 10 इंच को प्लस करना है। और उसमें मैंने 3 इंचेस स्टिचिंग मार्जिन दिया है और 6 इंचेस मैंने जो कली की स्टिचिंग में दोनों साइड में मार्जिन आएगा वो प्लस करना है। और टोटल में से हमें नंबर ऑफ कली को माइनस करके 6.5 इंचेस हमारा आया है। और फ्रेंड्स, वेस्ट में हम इसके प्लीट्स बना रहे हैं, तो मैंने इसमें वेस्ट का डबल साइज लिया और उसमें 10 इंचेस प्लस किया। अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो वेस्ट साइज में आपको 3 इंचेस स्टिचिंग मार्जिन प्लस करना है और 6 जो भी जितनी भी आपको कली यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मेजरमेंट निकालना है। तो जो हमारा 6.5 आया है वो हमारी टॉप की विड्थ था ये कली की। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस अनारकली फ्रॉक के लिए मैंने चुनून का फैब्रिक लिया है जो एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके ऊपर सर्कुलर शेप में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये मैंने 4.5 मीटर लिया है। और फ्रेंड्स, इसमें से मैंने जो बॉडी कट करनी है उसके लिए एक पीस कट किया हुआ है पहले। तो इसकी जो हमें रेडी विड्थ चाहिए कटिंग, वो मैं 9 इंचेस की कट कर रही हूँ। तो साइड में जो हमारा कम ज़्यादा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। और जो हमने रेडी लेंथ मैंने आपको बताई थी, ये बॉडी 10 इंचेस रेडी होगी, तो हमें 1 इंच प्लस करके इसमें मैंने मार्क लगाए हैं। तो मैंने 11 इंचेस पे मार्क लगा के लाइन ड्रॉ कर ली है। और जो इसका हमने शोल्डर लेना है, मैंने 5.5 इंच लिया है। तो इसी तरह हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमें खुली हुई साइड पे लगाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और शोल्डर लेंथ फ्रेंड्स हम 6 इंचेस कट करेंगे। तो इसी तरह हमें बॉक्स बना लेना है पहले। तो फ्रेंड्स, इतना बस साइज है, ये 28 बस साइज था, तो उसका हमें फोर्थ पार्ट निकाल लेना है जो कि 7 आया है। तो मैंने 7 पे मार्क लगा के हमें इसी तरह शोल्डर की शेप दे देनी है, कर्व दे देना है। जब भी आप स्मॉल साइज के क्लॉथ बनाते हैं तो आपको इसी तरह शोल्डर की मार्किंग करनी है बस साइज के अकॉर्डिंग। तो जितना आपको मार्जिन देना है आप उतना दें। मैंने 2 इंचेस मार्जिन दिया है इसमें। और फ्रेंड्स, ओपन वाली साइड मैंने 1 इंच पे मार्क लगाया है, बंद वाली साइड से 3 इंचेस पे मार्क लगा के हमें जो है शेप को ड्रॉ कर लेना है, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और अभी फ्रेंड्स, हम हल्की शेप को फ्रंट कर्व भी देंगे। तो मैंने 1 इंच पे मार्क लगाया है और इसी तरह हमें बिल्कुल हल्की सी ही शेप देनी है। तो अभी देखिए, हमारी जो मार्किंग कंप्लीट है, हमें बैक कर्व से लेके जो भी हमने मार्किंग कटिंग की मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है इसे। और अभी फ्रेंड्स, इसमें से हमें बैक पीस को निकाल लेना है और जो फ्रंट कर्व हमने बनाई थी उसे भी हम कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बॉडी की कटिंग हो गई है हमारी और अब हम जो है कलियां कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने 56 इंचेस लॉन्ग फैब्रिक कट किया है, जिसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और ये 28 इंचेस के 2 पीसेस हो गए हैं। और इसकी जो विड्थ थी फैब्रिक की वो 42 इंचेस थी, तो इसलिए पहले हमें एक लेंथ वाइज फोल्ड करना है और एक विड्थ वाइज फोल्ड करना है। तो इस तरह हमारी 4 लेयर्स बन जाएंगी फैब्रिक की। तो मैंने ऊपर 6.5 इंचेस पे 6.5 इंच पे मार्क लगाया है और जितना पीछे हमें रह रहा है फैब्रिक हमें उतना ही रख लेना है फैब्रिक को। और सेम इस तरह जैसे मैंने खुली हुई साइड पे 6.5 इंचेस पे मार्क लगाया है, वैसे हम इस तरफ भी 6.5 इंचेस पे मार्क लगा लेंगे। और इन दो मार्क पे इसी तरह हमें इंची टेप को रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह फ्रेंड्स हमें टोटल जो है 8 कलियां हमारी निकल आएंगी, क्योंकि हम 6 कली वाला बनाएंगे जिसमें हमारी 6 आगे कलियां आएंगी फ्रंट पैनल पे और 6 बैक पैनल पे जाएंगी। तो अभी जो है हमारी टोटल 8 कलियां कट हो गई हैं। और अभी हमें जहां जहां से हमारा फैब्रिक ज्वाइंट है जुड़ा हुआ है वो भी हमें अलग कर लेना है कट करके। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले आलिया भट्ट की अनारकली की फ्रॉक की कटिंग आपके साथ शेयर की थी, ये उसी का हम स्मॉल साइज में रिक्रिएट कर रहे हैं उस फ्रॉक को। अगर आपको उस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो ये जो हमारी टोटल जो है 8 कलियां कट हो गई हैं। और अब हमें 6 कली वाला हमें बनाना है अनारकली, तो हमें 4 कलियां और चाहिए। तो
तो इसलिए मैंने 28 इंचेस लॉन्ग फैब्रिक कट किया है और उसे सेम इसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स इस फैब्रिक को, क्योंकि ये चुनून वाला फैब्रिक है, इसे कट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने अलग अलग कट किया है। तो सेम जैसे हमने पहले 6.5 इंच पे मार्क लगाए थे एक साइड में, और फिर हमें ऑपोजिट साइड में 6.5 इंच पे मार्क लगा के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी तरह हमें इसे इन्हीं मार्क के ऊपर हमें हमारी कलियों को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हमारी टोटल कलियां जो है कट हो गई हैं, जिसमें अभी हमें 6 जो हमारी कलियां फ्रंट पैनल में आएंगी और 6 हमारी बैक पैनल में आएंगी। तो आपको भी इसी तरह से कलियों को कट कर लेना है पहले। फ्रेंड्स अभी हमें इसका इनर वाला फैब्रिक कट करना है, तो मैं टॉप से 10 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ। आपको पहले वेस्ट का मेजरमेंट देख लेना कि हमारी वेस्ट कितनी आ रही है, उसका मेजरमेंट लेते हुए हमें ये वाले मार्क लगाने हैं। और यहाँ से मैंने 25 इंच पे मार्क लगाया, फिर हमें इसे टॉप से मेजर करना है जो कि 35 पे आया। तो हमें इसी तरह इन स्टेप को टॉप पे रखते हुए, जैसे हमने सर्कुलर फ्रॉक कट करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें ये वाली मार्किंग कर लेनी है एंड तक। इस तरह मार्किंग के ऊपर हमें ये सर्कुलर शेप में हमें कट कर लेना है हमारे इनर वाले फैब्रिक को। और वेस्ट के मार्क पे भी हमें इसे कट कर लेना है। और दोनों साइड से मैंने इसे अलग कर लिया है, तो ये जो है हमारा सेमी सर्कल बन गया है, जिसे हम इनर हमारी फ्रॉक की कलियों में अटैच करेंगे बाद में। और फ्रेंड्स अभी हम स्लीव्स कट कर लिए हैं, और इस स्लीव की कटिंग के लिए मैंने 8 इंच विड्थ वाइज फैब्रिक को फोल्ड किया है, और इसकी लेंथ जो है फ्रेंड्स हमें 18 इंचेस कट करनी है। और बनने के बाद ये स्लीव जो है 16 इंचेस की रेडी होगी, और साइड में मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाया है खुली हुई साइड में। और इसी तरह हमें हमारे जो है स्लीव्स के लिए कर्व की शेप को बना लेना है, और इसमें मैंने फ्रंट कर्व भी बनाया है 3.5 इंच पे। तो जितनी आपकी मूरी है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, आप 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। और हमें फैब्रिक की मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे हमें पहले बैक कर्व की साइड से हम इसे कट करेंगे। और अभी हमें इसे खोल के बिछाना है। बस आपको स्लीव्स की कटिंग के टाइम ये ध्यान में रखना है कि अंदर की तरफ दोनों फैब्रिक की सीधी साइड होनी चाहिए, और हम इस तरह से फ्रंट कर्व को भी कट कर लेंगे। तो हमारी फ्रॉक की स्लीव भी कट हो गई हैं, और अभी जो है हमने जो टॉप बॉडी पार्ट कट किए थे और जो सर्कुलर शेप में फैब्रिक बचा है साइड में से, उन्हीं में से हमें इसी तरह से इनर फैब्रिक को भी कट कर लेना है। और सेम इसी तरह से हमें बैक साइड के फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। और फ्रेंड इसी तरह कटिंग करने से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस मेथड के साथ, अगर आप इस कटिंग को करेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए अभी जो है हम इस फ्रॉक को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम टॉप बॉडी के पार्ट्स को रेडी करेंगे। तो हमें पहले जो है इसके नेक को कट करना है। तो अभी पहले मैं फ्रंट नेक कट कर रही हूँ, तो मैंने 2.2 इंचेस जो इसकी विड्थ मार्क की है, और इसकी लेंथ मैं 4 इंचेस रख रही हूँ कटिंग के लिए, जो 3 इंचेस रेडी होगी बनने के बाद। और 1 इंच में शेप दे रही हूँ नेक की। और इन्हीं मार्क के ऊपर हम जो है नेक को कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है, और ये बिल्कुल परफेक्ट हमने नेक को कट कर लिया। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छी शेप में हमारा नेक कट हो गया है। और फ्रेंड्स बैक पैनल में मैंने चारों साइड से सिलाई लगा ली है रफ स्टिच से, जैसे मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। और इसी तरह सेम इसकी भी हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। और ये बैक नेक मैंने 5 इंचेस लॉन्ग कट किया था। तो बैक नेक में जो है फ्रेंड्स हम रेप टेप यूज करेंगे। मैंने रेप टेप कट कर ली है, जो हमने सर्कुलर शेप कट की थी उसी शेप में से मैंने रेप टेप को कट किया है। तो इसी तरह हमें इसे बिना स्ट्रच किए हुए ज़्यादा इसको अटैच करेंगे। और फ्रंट नेक के लिए मैं आपको बता दूँ हमें क्या करना है, हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, सीधी साइड ऊपर की तरफ है फैब्रिक की, और उसके ऊपर हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को प्लेस करेंगे, और नेक की शेप में हमें सिलाई लगाने के बाद कट लगाने हैं।
और अभी जो है हम फ्रेंड्स इस नेक को सीधा कर लेंगे, सीधी साइड से उल्टा देंगे फैब्रिक को। और इसके ऊपर मैं प्रेस करके इसको सेट कर लूँगी फैब्रिक को। मैंने रेप टेप को भी अटैच कर लिया है और इसमें मैंने वी शेप में कट भी लगा लिया। और जितनी हमें विड्थ रेप टेप की रखनी है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग मार्जिन को रेप टेप वाली साइड फोल्ड करते हुए पूरी रेप टेप को रेडी कर लेना है सिलाई लगा के। तो हमारा बैक नेक भी रेडी हो गया है और हमने फ्रंट नेक को भी रेडी कर लिया है। तो देखिए पीछे से जो है बैक नेक उसके हम तरपाई करेंगे बाद में, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने जो है इसमें शोल्डर डाउन नहीं किए थे, तो आपको भी हाफ इंच के अकॉर्डिंग इनके शोल्डर डाउन कर लेने हैं। सो अभी फ्रेंड्स जो हमने फ्रंट पैनल में नेक रेडी किया है उसके ऊपर मैं जो ट्रायंगुलर हमारी गोटा लेस है वो यूज कर रही हूँ। ये आसानी से मिल जाती है मार्केट में, तो इसी तरह हमें नेक के ऑल अराउंड इसे लगा लेना है। तो ये आसानी से लग जाती है ये वाली लेस भी आप किसी भी शेप में। तो अभी जो है हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों पीसेस की जो अंदर वाली साइड है वो है रॉन्ग साइड और सीधी साइड बाहर की तरफ है, और ऊपर से हमें बिल्कुल 1 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए सिलाइयाँ लगानी है। तो देखिए हमारी सिलाई लग गई है टॉप से, और जो रेप टेप है उसे मैंने आगे की तरफ बढ़ा के छोड़ा हुआ है। और अब हम इसे उल्टी साइड टर्न कर लेंगे फैब्रिक को, और जो रेप टेप हमने बढ़ा के छोड़ी थी उसे हम फ्रंट नेक के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे हाफ इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह हमें रेप टेप को फ्रंट नेक के ऊपर ओवरलैप करके सिलाई लगा देनी है। तो इससे जो है हमारी जो शोल्डर सिलाई है वो नहीं दिखती है उस, क्योंकि उसके ऊपर से हमारी रेप टेप कवर कर लेती है शोल्डर, जो हमारी शोल्डर वाली सिलाई आती है। और अब फ्रेंड्स हम जो है इसमें कलियां अटैच करेंगे। कलियों को अटैच करने के लिए मैंने सीधी साइड एक तरफ रखी है और दूसरी तरफ जो मेरी साइड में है वो रेप साइड है फैब्रिक की। तो हमें क्या करना है, जो सीधी साइड है और जो तिरछी साइड है उसको हमें अटैच करना है। ये आपको ध्यान में रखना है, सीधी साइड के साथ आपको सीधी साइड को नहीं सिलना है, आपको सीधी साइड के साथ तिरछी साइड को सिलना है। अभी ये सीधी साइड है हमारी जो कली है, और उसके साथ हम फिर से जो तिरछी साइड है रेव साइड है कली की वो को अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह हमें एक के बाद 6 कलियां हमें लगानी है। और ये मार्जिन बढ़ेगा क्योंकि रेव के साथ जब भी हम स्ट्रिप को ज्वाइन करते हैं तो नीचे से वो बढ़ता है फैब्रिक। तो देखिए इसी तरह मैंने 6 कलियां फ्रंट पैनल के लिए अटैच कर ली हैं, ऊपर हमारे गैदर्स आएंगे। तो सेम इसी तरह से हमने बैक पैनल के लिए भी हमारी जो है कलियों को ज्वाइन कर लिया है। तो अभी जो हम नीचे से इसकी जो फिनिशिंग करेंगे, तो हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है हमारी कलियों को। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप मार्क लगा लें, और जितना फैब्रिक हमारा बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें इन कलियों को कट कर देना है। और सेम इसी तरह हमें जो है बैक पैनल की कलियों को भी नीचे से शेप के अकॉर्डिंग कट करना है। सो फ्रेंड्स हमने इसको प्रॉपर शेप में कट कर लिया है, और अब हम गैदर्स बनाएंगे। तो हमें लंबा धागा छोड़ना है, और मैंने जो इसकी सिलाई है वो 5 नंबर पे रखी हुई है। और हम एंड तक इसी तरह से मशीन के फुट का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे, और एक सिलाई हम और लगाएंगे, इससे हमारी गैदर्स जो है बहुत ही अच्छे आते हैं। तो आपको सेम उसी तरह से मशीन के फुट का मार्जिन छोड़ना है पहले वाली सिलाई से, और एंड तक सिलाई लगानी है। और इन दोनों सिलाइयों में से हमें एक एक थ्रेड को निकाल लेना है, अलग कर लेना है, और इस तरह से हमें पकड़ना है। हमें थ्रेड को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, हमें हाथ से ही फैब्रिक को इसी तरह पीछे करके गैदर्स बना लेने हैं। अगर आप थ्रेड को स्ट्रेच करके गैदर्स बनाएंगे फ्रेंड्स तो वो टूट भी सकता है थ्रेड। तो आपको इसी तरह से हाथ से ही फैब्रिक को पीछे की तरफ करते हुए ये वाले गैदर्स बनाने हैं। और सेम इसी तरह हम फिर से उन्हीं सिलाइयों में से एक एक धागे को निकाल लेंगे दोनों सिलाइयों में से, और फैब्रिक को हमें इसी तरह से फैब्रिक को पीछे की तरफ करते हुए गैदर्स बना लेने हैं। और सेम हम बैक पैनल में भी गैदर्स बना लेंगे, और हमें वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेना है। आपको जितनी आपकी वेस्ट साइज है उसमें आपको स्टिचिंग मार्जिन प्लस करके ये पीसेस को रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने गैदर्स बना लिए हैं, और जो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक कट किया था उसको हमें इस तरह से प्लेस करना है उल्टी साइड, और स्टिच लगानी है टॉप पे। और सेम इसी तरह से हमें बैक पैनल पे भी दोनों लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लेना है।
तो देखिए हमने सिलाइयां लगा के अटैच कर लिया है फैब्रिक। तो हमारा इनर फैब्रिक जो है अटैच हो गया। अब हम इसे टॉप बॉडी के साथ इसी तरह से हमें दोनों की सीधी साइड एक तरफ करते हुए वेस्ट की ओर से हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। और सेम इसी तरह हमें बैक पैनल पे भी इसे अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें बॉडी पैनल के साथ हमने कली को अटैच कर लिया है। और अभी जो है हम वेस्ट में भी गोटा लेस को अटैच करेंगे। मैं स्मोसा लेस ही यूज कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस को यूज कर सकते हैं। तो हमें स्टिचिंग मार्जिन को टॉप में बॉडी साइड रखते हुए ऊपर लेस को अटैच कर लेना है। और दोनों में नहीं, बैक और फ्रंट दोनों में ही ये लेस को अटैच किया है। और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनर वाली फैब्रिक को उसी तरह से टॉप से अलग कर लेना है। और ये मेन फैब्रिक है हमारा, तो दोनों साइड पहले हम मेन फैब्रिक की कलियों को अटैच कर लेंगे। आपको भी लाइनिंग वाले फैब्रिक और कली वाले फैब्रिक को कभी भी एक साथ ज्वाइन नहीं करना है, तो इससे लुक अच्छी नहीं आएगी आपकी फ्रॉक की। तो अभी जो है हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को अटैच करेंगे। मैं आपको बताती हूँ हमें किस तरह से फिटिंग लगानी है। तो मेन फैब्रिक को हमें इस तरह से तिरछा प्लेस करना है, जिससे ये जब हम ऊपर से सिलाई लगा के आएंगे तो ये नीचे से खुद से ही अलग हो जाएगा तिरछा करते हुए फैब्रिक। और सेम इसी तरह हम मेन फैब्रिक को तिरछा रखेंगे और ऊपर से लाइनिंग वाले फैब्रिक को सेट करके रखेंगे और स्टिचिंग लगा देंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो हमने फिटिंग लगा ली है फ्रेंड्स। और इसके लिए फ्रेंड्स मैंने बेल्ट भी रेडी की थी, उसका मैंने शॉर्ट अपलोड किया हुआ है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और अभी हम स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। नीचे से फोल्ड करना है और शोल्डर को मेजर करते हुए हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं और अब हम जो है इसको फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। तो अभी हम फ्रॉक को उल्टी साइड से टर्न करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट पीस की तरफ ही जो है हमारी स्लीव की फ्रंट कर्व आनी चाहिए, तो स्लीव्स को हमें सीधा रखना है, फ्रॉक को उल्टा करना है और इस तरह से हमें स्लीव्स को इंसर्ट करना है शोल्डर के बीचों बीच। और स्टिचिंग मार्जिन को साइड से फोल्ड करेंगे और ऑल अराउंड हमें सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह से बस हमें ध्यान रखना है कि हमारी फ्रंट कर्व एक साइड ही हो स्लीव्स और हमारी फ्रॉक की। और सेम इसी तरह हमें इसे अटैच कर लेना है। तो हमारी फ्रॉक जो है रेडी है। और मैंने बॉटम में भी गोटा लेस को ही अटैच किया था, स्लीव्स पे मैंने लेस को नहीं लगाया है। तो इसका फ्लेयर देखिए बहुत ही अच्छा बना है। और नीचे से इनर वाले फैब्रिक को भी हम फोल्ड कर देंगे और इसमें मेन फ्रॉक पे भी हमें लेस को अटैच कर लेना है। फ्रेंड्स, आप इसी तरह से आसानी से फ्रॉक को रेडी कर सकती हैं। और ये है इस फ्रॉक की फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह आप भी बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश सी डिज़ाइनर अनारकली फ्रॉक बना सकती हैं घर पर ही। और इस कटिंग मेथड के साथ आपको कभी भी कटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें जैसे आपने मुझे इंस्टा पर सपोर्ट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।